भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला चट्टग्राम में खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम अपनी लाज बचाने के लिए उतरी है तो वहीं मेजबान टीम क्लीन स्वीप करना चाहेगी। आपको बता दें कि बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, जवाब में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई। भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करने आए शिखर धवन और ईशान किशन, क्योंकि रोहित शर्मा चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो चुके हैं और उनको आने वाली टेस्ट सीरीज में भी खेलना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। तो भारतीय टीम की शुरुआत पहले की तरह रही, कुछ खास नहीं रही। वहीं जो शिखर धवन ओपनर बल्लेबाज थे, मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर उसके बाद ईशान किशन का तूफान आया। ईशान किशन काफी दिनों से मौके का इंतजार कर रहे थे, उन्हें जैसे ही मौका मिला उन्होंने दोनों हाथों से मौके को लपक लिया और ईशान किशन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ईशान किशन ने पहले तो अपना अर्धशतक पूरा किया, फिर उन्होंने अपनी बेहतरीन पारी की बदौलत शतक तक पहुंचे और फिर उन्होंने रन की गति और बढ़ा दी। ईशान किशन और विराट कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए 290 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी में ईशान किशन ने 199, कोहली ने 85 रनों का योगदान दिया। आपको बता दें कि भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने तीसरे वनडे मैच में दोहरा शतक जड़ दिया। उन्होंने सिर्फ 127 गेंदों में दोहरा शतक लगाया है। अपनी पारी में ईशान किशन ने 24 चौके और 10 छक्के लगा चुके हैं। आपको बता दें कि ईशान किशन ने 210 रनों का स्कोर बनाकर पवेलियन वापस